లాక్డౌన్ను ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవంటోంది కేంద్రం. కరోనాకు సంబంధించి ఫేక్ న్యూస్ ప్రచారం చేస్తే కఠిన చర్యలుంటాయని ప్రకటించింది కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ. ప్రస్తుతం ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఆ లైవ్ చూద్దాం. ఈ యాప్ 11 లాంగ్వేజ్ మే అవైలబుల్ హై. ఇస్కి డీటెయిల్స్ పిఐబి కి వెబ్సైట్ అండ్ ప్రెస్ రిలీజ్ మే అవైలబుల్ హై. ఆర్ ఇస్ యాప్ కో గూగల్ ప్లే స్టోర్ ఆర్ యాపిల్ స్టోర్ సే డౌన్లోడ్ కియా జా సక్తా హై. ధన్యవాద్ మ్యామ్. నౌ గృహ మంత్రాలయ కి ప్రవక్త. जैसे आपको पता है होम मिनिस्ट्री स्टेट्स और यूटीज के साथ लॉकडाउन का एनफोर्समेंट करवा रही है और आज प्रधानमंत्री जी ने भी चीफ मिनिस्टर्स के साथ इस पर डिटेल्ड में चर्चा की है. आज होम सेक्रेटरी ने सभी स्टेट्स और यूटीज को लिखा है कि वे लॉकडाउन के मेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली इन लेटर एंड स्पिरिट करें. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 31 मार्च 2020 के आदेश में इस बात को एम्फसाइज किया है. लॉकडाउन मेजर्स का वायलेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और इंडियन पीनल कोड के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है और इस कॉन्टेक्स्ट में होम सेक्रेटरी ने सभी स्टेट्स और यूटीज को लिखा है कि पब्लिक अथॉरिटीज और सिटीजन्स के बीच इन कानूनों के प्रावधानों को वाइडली सर्क्यूलेट करें जिससे कि हमारा लॉकडाउन इफेक्टिव हो. आपदा के समय सही जानकारी अति आवश्यक है. किसी प्रकार की रूमर मॉन्गरिंग या फेक न्यूज पैनिक क्रिएट कर सकती है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार होम सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को रिक्वेस्ट किया था कि एक वेब पोर्टल क्रिएट किया जाए जिसमें लोग कोविड संबंधित फैक्चुअल पोजिशन को वेरीफाई कर सकें, कोई भी अनवेरिफाइड न्यूज है तो उसके बारे में भी अपने डाउट्स क्लियर कर सके. इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक्सपेडिशियसली एक फैक्ट चेक यूनिट कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसे एक डायरेक्टर जनरल हेड करेंगे. लोग इस यूनिट में ईमेल द्वारा और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं. इस की ईमेल आईडी आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी अवेयर बट इट इज pibfactcheck@gmail.com. होम सेक्रेटरी ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को भी रिक्वेस्ट किया है कि वे एक ऐसा मैकेनिज्म स्टेट लेवल पे भी इस्टैब्लिश करें जिससे कि स्टेट से रिलेटेड जो लोगों के डाउट्स हैं या क्वेरीज है वो रिजॉल्व की जाए. आपको तबलीगी जमात वर्कर्स के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगी. स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर के होम मिनिस्ट्री ने एक मैसिव एफर्ट लॉन्च किया था और टीजे वर्कर्स और उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स करीब 9,000 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और क्वारंटाइन में प्लेस किया गया है. इन 9,000 लोगों में से करीब 1,306 लोग फॉरेनर्स हैं और बाकी इंडियंस हैं और इस पे संपूर्ण रूप से कार्रवाई चल रही है. जो लगभग टीजे मरकाज दिल्ली में करीब 2,000 टीजे वर्कर्स थे जिसमें करीब लगभग 250 फॉरेनर्स थे उनमें से 1,804 टीजे वर्कर्स को क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया है और जो 334 लोग सिम्टोमैटिक पाए गए थे उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है. धन्यवाद. हेल्थ मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन. आप सबकी दृष्टि में लाने के लिए कल से आज तक 328 नए केसेज आए हैं और 29 स्टेट में कुल मिलाकर टोटल 1965 कंफर्म केसेस पाए गए हैं. उसमें अगर हम देखें तो टोटल 50 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं जिसमें कि कल से आज तक में 12 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं. पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब तक 151 लोग रिकवर भी हो चुके हैं. जैसे कि मेरे कुलीग ने आपको बताया कल कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू तबलीगी जमात पार्टिसिपेंट्स की कंप्लीट इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और साथ ही वार फुट मेजर्स में कंटेनमेंट प्रोसेस के लिए कार्य करने के लिए उनसे सबसे कहा था. इस क्लस्टर से जुड़े हुए मामलों से का हमें पता लगा था तेलंगाना के थ्रू और उसके बाद जब यहाँ के लोग डिफरेंट स्टेट्स में गए जैसे कि अंडमान निकोबार दिल्ली जम्मू कश्मीर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पुडुचेरी राजस्थान असम और उत्तर प्रदेश तो वहाँ से जब केसेस की और डिटेल आई तो उसके तहत
हम लोगों ने इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग का प्रोसेस शुरू किया। अब तक इन राज्यों से करीब 400 पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिनकी की एपिडेमियोलॉजिकल लिंकेज इस क्लस्टर से पाई जा चुकी है, और इसके साथ ही एडिशनल टेस्टिंग भी चल रही है जिससे हमें लगता है कि शायद और कुछ पॉजिटिव केसेस इस क्लस्टर से लिंक पाए जा सकते हैं। अब तक की इन्फॉर्मेशन के अनुसार तमिलनाडु से 173 लोग, राजस्थान से 11, अंडमान निकोबार से 9, दिल्ली से 47, पुडुचेरी से 2, जम्मू कश्मीर से 22, तेलंगाना से 33, आंध्र प्रदेश से 67 और असम से 16 ऐसे पॉजिटिव कंफर्म केसेस पाए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, ये नंबर और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे केसेस सैंपलिंग की रिपोर्ट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, जैसे मेरे कुलीग ने बताया है, ऑलरेडी सेक्रेटरी होम साहब फेक न्यूज़ के बारे में स्टेट को लिख चुके हैं। उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं आदेश अनुसार टेक्निकल डिटेल्स, ताकि सही सूचना लोगों को मिल सके, उससे संबंधित हम लोगों ने भी एक जॉइंट सेक्रेटरी और एम्स के डॉक्टर से मिलते हुए एक ग्रुप बनाया है, एक ईमेल आईडी क्रिएट की है जिसका एड्रेस है technicalquery.covid19@gov.in, जिस पर कि लोग अपने टेक्निकल डाउट जो है उसके बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। और उसके तहत ही सुबह की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से करीब 900 लोगों ने उसमें ईमेल्स भी लिखी है जिसका अब हम एनालाइज करके उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और गाइडलाइन, पर्टिकुलरली जैसे कि आप सबको अवगत है कि किडनी केसेस के रिलेटेड एक कोमॉर्बिड कंडीशन देखी गई है, तो किडनी केसेस में जो लोग डायलिसिस कर रहे हैं उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, उनको क्या गाइडेंस फॉलो करनी है, उससे संबंधित गाइडलाइंस भी हम लोगों ने बनाते हुए अपनी वेबसाइट पर उन पेशेंट्स की गाइडेंस के लिए जारी कर दी है। इसके साथ ही जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे कि जितने भी हमारे रिलीफ कैंप हैं जहां पर कि हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं हाउस्ड हैं, उनको प्रॉपर साइकोलॉजिकल साइकोसोशियल सपोर्ट मिले, उसके तहत आदेश जारी करने के साथ साथ घर में रहने वाले जो हमारे एल्डरली हैं और इसके साथ ही जो हमारे बच्चे हैं उनको भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस से निमटने के लिए क्या पब्लिक मेजर्स उन्हें लेने चाहिए उसकी भी गाइडलाइंस हमने इशू की हैं। इसके साथ ही जब हम ये सब लॉकडाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत एसेंशियल कॉमोडिटीज की सप्लाई के तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 24 मार्च से लेकर अब तक 352 रेक्स, जिसमें कि 9.86 लाख मेट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन राइस और वीट को ट्रांसपोर्ट किया है देशव्याप्त तक। और इसके साथ ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलो प्रति मंथ प्रति बेनिफिशियरी जो हमें राशन देना होता है उसके लिए फूड कॉरपोरेशन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। इसके साथ ही आने वाले 3 महीनों के लिए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81.35 करोड़ लोगों के लिए भी 5 kg पर मंथ पर बेनिफिशियरी की अतिरिक्त मांग को पूरी करने के लिए फूड कॉरपोरेशन पूरी तरह से तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की, उन्होंने राज्यों को COVID-19 की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने राज्यों को जिलों के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट के प्रोसेस के रूप में कार्य करने को कहा। उन्होंने राज्यों से कहा कि अब हमारा फोकस टेस्टिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन फैसिलिटीज पर रहे। राज्यों से उन्होंने हेल्थ केयर ह्यूमन रिसोर्स को अपग्रेड करने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर की ऑनलाइन ट्रेनिंग और इसके साथ ही रिटायर्ड जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हों, और हमारे जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग होते हैं, जो हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, हमारे एनएसएस के वॉलेंटियर्स हैं, एनसीसी के जो वॉलेंटियर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करके हर तरीके से एक फोर्स बनाई जाए फील्ड स्थाई पर, उसके लिए भी उन्होंने स्टेट से अनुरोध किया है। राज्यों ने बताया कि लॉकडाउन से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स और एनहांस सर्विलेंस राज्यों में एक बड़े फोकस वे में कार्य हो रहा है और विशेष रूप से माइग्रेंट वर्कर्स और जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनका प्रॉपर फॉलोअप, उनकी सर्वेलेंस और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य बड़ी एक पकड़बंदी की तरीके से काम कर रहा है। राज्यों ने यह भी कहा है कि वह जैसे कि आदेश दिए गए हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि रिलीफ कैंप में साइकोसोशल सपोर्ट भी हो और इसेंशियल सप्लाईज प्रॉपर तरीके से सारे स्थाई पर उनको उसको प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए राज्य लेवल पर काम चल रहा है। राज्यों से इसके साथ ही डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स, ICU बेड्स, क्वारंटाइन फैसिलिटीज, वेंटिलेटर्स और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के विषय पर भी डिटेल चर्चा आज हुई है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों से एक चीज कही जो मैं आप सबको अवगत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि चाहे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस युद्ध है वो अभी शुरू ही हुआ है और देश का हर नागरिक हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक सैनिक के रूप में अलर्ट रहते हुए इस लड़ाई को उसने लड़ना है। मानव जाति के इतिहास में आज तक ऐसा पूरा वर्ल्ड वाइड ऐसा संकट कभी देखा नहीं गया है और इस लड़ाई में हमें सभी का सपोर्ट आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शांति एकता सद्भावना और कानूनी व्यवस्था बनाए रखना अति आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि सभी विचारधारा सभी आस्था के संबंधित लोग एक साथ जुटकर मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ें, सभी धर्मों के जो लोग हैं वो मिलकर बैठें और अपने अनुयायियों को इस लड़ाई से बचने के लिए इस लड़ाई से जीतने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित नियमों का पालन करने को कहें। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटे और साथ ही जो ये 21 दिन का जो आइसोलेशन की जो हमारी तपस्या है हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जिससे हमें इस तपस्या का फल ना मिले। हमें कलेक्टिवली इस लड़ाई से यशस्वी होकर बाहर निकलना है। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू जस्ट रिटेट एंड रिक्वेस्ट कि लेट अस कलेक्टिवली टेक दिस बैटल एंड डिलीवर ऑन द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड आर कलेक्टिव मिशन टू विन दिस वॉर। थैंक यू। धन्यवाद। सबसे पहले ऑनलाइन क्वेश्चन। मुंबई धारावी, वी विल प्रोवाइड यू द फिगर्स लेटर, प्लीज जस्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन। मुंबई धारावी स्लम में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हुई है, उसके बाद एरिया को सील किया गया है जिनमें 300 फ्लैट्स एंड 90 शॉप्स हैं, क्या उन सब की जांच होगी? सैंपल लेने का काम कब शुरू होगा? क्या ये कम्युनिटी ट्रांसफॉर्म है? देखिए, जैसे आप सबको भी अवगत होगा कि मुंबई के धारावी बेल्ट में एक पॉजिटिव केस पाया गया जो विच ऑल्सो देर इज ऑल्सो रिपोर्टेड डेथ ऑल्सो। वहां पर 300 फ्लैट्स हैं, 90 शॉप्स हैं आसपास। उस